हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। एंड गाइस, कुछ दिनों से मेरी जो वार्डरोब है कपड़ों से एकदम मेसी हो रखा था। आज ऑर्गेनाइज करूँ, कल करूँ, ऐसे करते करते 1 वीक बीत गया। सो आज मैंने ठान लिया कि आज मुझे सब कुछ अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करनी ही है। एंड मैं अगर अकेले ही करूँगी तो 2 से 3 घंटे तो लग ही जाएगा, तो मैं शायदा को भी बुला लिया। सो हम दोनों मिलकर आप सब कुछ अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करूँगी। गाइस, कपड़े ऑर्गेनाइज करते करते मैंने एक चीज़ तो नोटिस किया कि मेरे ज़्यादातर कुर्तेज वगैरह फिट नहीं आ रहा है। एक्चुअली मेरी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपको तो पता ही है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ। तो बहुत सारे कुर्तीज़ वगैरह ऐसा है जो कि मुझे बिल्कुल भी फिट नहीं आ रहा है। तो मुझे इस बात का थोड़ी सी दुख हुआ, क्योंकि मैं इतने अच्छे तरीके से मतलब कुर्तीज़ वगैरह को ऑर्गेनाइज करके रखा था कि बाद में पहनूंगी, तो शायद मैं अभी नहीं पहन पाऊंगी। तो अब मुझे वेट लॉस करना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ वेट लॉस करने के लिए, लेकिन आपको तो पता ही है मेरी जो रूटीन है बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन है। स्टडी करना पड़ता है, साथ ही मतलब घर का भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है, वीडियो शूट, एडिट, सब करते करते मैं एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ आजकल। एंड एग्जाम का रूटीन भी आ गई है, 9 अक्टूबर से मेरी एग्जाम है, सो पढ़ाई वगैरह भी करना पड़ रहा है। अगर मैं पढ़ाई नहीं करूँ तो बैक आ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा फिर। सो गाइस, आप सबसे बात करते करते मैं कपड़े वगैरह अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके अपने अपने जगह पर रख दिया। अब मैं रूम अच्छी तरीके से डीप क्लीन करने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पर डस्टिंग कर रही हूँ। एंड शाहिदा मकड़ी की जो जाली है वो रिमूव कर रही है। सो गाइस, मैं मकड़ी की जाली से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अगर आपको कुछ टिप्स या मेडिसिन वगैरह पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देन गाइस, मैं झाड़ू पोछा लगा के एकदम नहा धो के फ्रेश हो गई। सो गाइस, अब मैं जाऊँगी किचन पर जाके दोपहर की खाना वगैरह बनाऊँगी। एंड ये जो फूल आप लोग देख रहे होंगे, इसकी नेम बॉकफुल है, मतलब हमारी लैंग्वेज में इसे बॉकफुल कहते हैं। आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। इसकी मैं पकौड़े बनाने वाली हूँ, साथ ही मैं राइस बनाई, फिश बनाई, सब्जी वगैरह बनाई। एंड अब मैं बर्तन वगैरह मांज रही हूँ, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। एंड खाना हम बाद में खाऊंगी, क्योंकि जब सभी लोग आ जाएगा घर का, मतलब मेरे हस्बैंड एंड मेरी ससुर बाहर गई हुई है, जब आ जाएगा तब हम सब एक साथ मिलकर खाना खाएंगे। कुछ दिन पहले जो मैं वाटर बोतल के अंदर लाकी बेम्बो को ग्रो करने के लिए रख दिया था, तो आप लोग देख सकते हो एकदम हेल्दी तरीके से ग्रो कर ली है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि रूट्स के बिना ग्रो नहीं करेगा, तो आप लोग देख सकते हो मैंने बिना रूट्स की मतलब वाटर बोतल पर रख दिया था काट करके। एंड देखिए, एकदम हेल्दी तरीके से ग्रो कर ली है, रूट्स वगैरह आ गई है। सो अगर आप भी वाटर बोतल के अंदर लाकी बेम्बो को ग्रो करने के लिए सोच रही हो, तो मेरी वो जो वीडियो है जिस पर मैंने बताई कि किस तरीके से काट करना पड़ता है वगैरह वगैरह, आपको सिर्फ वो वीडियो देखना पड़ेगा। मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगी। सो अब मैं और शाहिदा हम दोनों मिलकर तुलिया टेंगा खाने वाली हूँ। एक्चुअली इसे असमिस में तुलिया टेंगा कहते हैं, वो भी मुझे पता नहीं था, मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला। हिंदी में क्या कहते हैं अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा खट्टा है, जब भी बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह दे देते हैं तो मैं और शाहिदा मिलकर ये जो फ्रूट से ये खा लेती हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गर्मी में खाने से। कुछ देर बाद हमने खाना वगैरह खा लिया था। एंड खाना खाने के बाद यूजुअली मैं सो जाती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं सोई, क्योंकि आज मुझे कुछ शूट वगैरह करनी है, वो भी में। बहुत दिनों से मुझे साड़ी पहन के आई हूँ ना, फोटो वगैरह खिंचवानी थी, लेकिन मैं अच्छी तरीके से साड़ी हैंडल नहीं कर पाती हूँ, पहन नहीं पाती हूँ, जिस वजह से मैंने नहीं खिंचवाया। लेकिन आज बड़ा मन किया तो मैंने सोचा क्यों ना फोटो में खिंचवाई लेती हूँ। तो मैं साड़ी वगैरह पहन के एकदम रेडी हो गई। अब मैं करने वाली हूँ मेकअप। एक्चुअली मेकअप नहीं, क्योंकि बिना फाउंडेशन के मेकअप कैसे होगा। मेरी फेस पर थोड़ी सी पिंपल्स एंड बम्स वगैरह हो गई है, तो जिस वजह से मैं मेकअप तो नहीं करने वाली। लिपस्टिक लगा लिया मैं, थोड़ी सी काजल वगैरह लगा लिया, एंड लिपस्टिक को एज ए ब्लश मैंने अप्लाई किया। सो आप लोग भी ये छोटी छोटी जो टिप्स वगैरह है इसे फॉलो कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। पीछे जो आप लड़की देख रही होंगे, मैं बात कर रही हूँ, वो एक्चुअली मेरी ननद है। एंड वो मेरे लिए मतलब हिजाब सिलेक्ट कर रही है कि मैं कौन सा हिजाब लगाऊँ। सो देन मैं आंखों पर लगाई मस्कारा। एंड गाइस, अब मैं थोड़ी सी गोरा दिखने के लिए थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर जो है वो अपनी फेस पर एकदम अच्छे तरीके से लगा लूँगी। गाइस, अगर आप भी मतलब मेकअप वगैरह ज़्यादातर नहीं करते हो तो आप भी ये सब टिप्स वगैरह फॉलो कर सकते हो। आप कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ अपनी फेस को एकदम अच्छे तरीके से सेट कर दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा यू नो सुंदर लगेगा। गाइस, अब मैं लगाऊंगी आई शेडो। तो सबसे पहले मैं लगाई गोल्डन कलर का, देन अब मुझे चाहिए था स्काई ब्लू कलर का आई शेडो। एग्जैक्ट जो कलर मुझे चाहिए था वो तो नहीं मिला, जैसा मिला मैं वैसा ही लगा लिया, थोड़ा सा हल्का हल्का। सो बस मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ। एंड देखिए मेरा पगल बनते, मैं चश्मा लगा लिया, पता नहीं क्यों लगाने का मन किया। सो एंड गाइस, और एक बात कि आप नेक्स्ट पर कौन सा वीडियो मतलब दिखना पसंद करोगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, चाहे वो मेकअप वीडियो हो, हिजाब ट्यूटोरियल हो, जो कुछ भी हो, आपको जो कुछ भी मन करे दिखने का वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइस, अब मैं लगाने वाली हूँ हिजाब। एंड इतना ज़्यादा मैंने हिजाब लगाते टाइम पर स्ट्रगल किया ना, एक तो मुझे मतलब मैचिंग हिजाब नहीं मिला, एंड जो मिला थोड़ा बहुत मिलता जुलता मुझे पसंद आया।
वो भी मैं लगा नहीं पाया क्योंकि सिल्क का है तो लगा ही नहीं पाया मैंने। तो मेरी ननंद लोग जो है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प कर दिया, देन मैं जैसे तैसे लगा लिया। सो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो, तो चलो फिर फोटो वगैरह शूट कर लेती हूँ। सो गाइस देन मैं फ़ोटो वगैरह शूट किया एंड देखिए मैं बार बार साड़ी को ठीक किया क्योंकि मैं साड़ी अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पाती हूँ, बार बार मुझे ठीक करना पड़ रहा था। तो जैसे तैसे मैं फ़ोटो वगैरह शूट कर लिया। एंड गाइस अगर आप लोग ये सब फोटो वगैरह दिखना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ऐड कर दी है। एंड गाइस मैं साड़ी पहन के कैसे लग रही हूँ ये भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो चलो गाइस फोटो वगैरह तो शूट कर लिया, अब मेकअप वगैरह भी रिमूव कर लेती हूँ। एंड गाइस जब भी मैं फोटो वगैरह शूट करती हूँ बताने की क्यों, देन मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करती हूँ। तो गाइस मैं मेकअप वगैरह रिमूव करने के बाद एकदम अच्छी तरीके से फ्रेश होने के बाद गई किचन पर, जाके मैं बनाई एक कड़क चाय क्योंकि चाय पीने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगती है। तो पहले तो मैंने चाय फिनिश किया, देन फिर से मैं गई किचन पर जाके शाहिदा के साथ खाना वगैरह बनाई, शाहिदा को थोड़ी सी हेल्प कर दिया। देन मैं आ गई पढ़ने के लिए, एक्चुअली मेरा एग्जाम का जो रूटीन है वो आ गई है, 9 अक्टूबर से मेरी एग्जाम है। थोड़ी टाइम तक पढ़ाई करने के लिए बैठ गई एंड देखिए कौन आया, एक्चुअली मेरी भांजी है, मेरे हस्बैंड की बहन की बेटी, मतलब मेरी ननद की बेटी। तो इसे भी मैं पढ़ाई करने के लिए बिठाऊंगी। तो बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।